रहना होगा। INS के ऊपर भीष्म और स्मोकी के ऊपर BTR के प्लेयर्स है, जक्सी और राइजन मौत का कुआं है, वो दो प्लेयर डेडली डुओ बोल सकते हैं उनको। पर यस INS के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि राइट या लेफ्ट से जाए, और मे बी वहां पे जोकर जो आपको पीछे दिख रहे हैं वो शायद राइजन या किसी को स्पॉट कर पाएंगे। BTR के लिए विकेंडी हमेशा से लकी रहा है, उन्होंने हर बार विकेंडी का मैच जीता है, तो क्या वो यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट करवा पाएंगे वो इंपॉर्टेंट, उनके कंधों पर एक बोझ बनकर रहेगा अभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गॉस्किला का स्क्वाड, इनके जस्ट लोस्ट थी ओमन एलिट, एंड ये ड्रोन शॉट के अंदर आप सारी टीम्स एक बार चेकआउट कर सकते हो, BTR, ओमन एलिट, गॉस्किला, ऑरेंज, ये सब टीम्स एक दूसरे के आसपास, टेम्पो स्टॉर्म यहाँ पर है, एंड गॉस्किला के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक उनका किल एक भी नहीं है, बट देन वो फिफ्थ पोजीशन पर आते हैं। ऑरेंज के प्लेयर स्पॉट हो चुके थे, बट देन वो छोटा सा रिज उनको बचा गया यहाँ से गॉस्किला से, लेकिन वहाँ पर टेम्पो के प्लेयर से नहीं बचा पाया, एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं वहाँ पर, एंड जोन सिर्फ और सिर्फ BTR को सपोर्ट कर रहा, बाकी सब टीम्स को अभी जोन के अंदर हल्का फुल्का आना है। ओमन एलीट के प्लेयर जोन के अंदर आ चुके हैं, बट देन जोन सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए BTR के ही पास है। यस बिल्कुल सही ओशन, पर मेरे हिसाब से गॉस्किला को यहाँ कोई जरूरत नहीं है किल लेने के लिए, साउथ एशिया रीजन से एक ही टीम है जो वहाँ फाइट आउट कर रही है, तो उसके लिए गॉस्किला को जल्दी मरना होगा, जीरो किल्स के साथ मरना होगा, डू और डाई गॉस्किला को, मतलब बस बाहर जाना चाहिए यहाँ पे, सो डैट यू नो हमें लास्ट गेम काफी इंटरेस्टिंग मिले, या अगर गॉस्किला चिकन ले लेती है तो बाकी सारे टीम्स के लिए वो जो पर्दा है क्वालिफाई होने का पूरा खत्म हो जाएगा। पे स्मोकी का बहुत ही प्यारा स्पेस, स्मोकी यहाँ पे 1 HP पे बचते हुए पर आई गैस पीछे से कवर फहराया लक्सी का, भीष्मा को ले जा चुका है गॉस्किला के साथ, सूरा वहाँ पे ऑरेंज के लिए को नॉक करके, एंड आई थिंक ऑरेंज यहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे, गॉस्किला यहां पे अपने खाते पे 2 किल लिखेंगे, एंड BTR के जक्सी वहां पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। INS अभी भी चल रही है, सांसे उनकी 2 प्लेयर्स बचे हैं, टेम्पो स्टॉर्म वहां पे शायद एलिमिनेशन के कगार पे है, यस उनका एक ही बंदा बचा, आई गेस यहां पे टेम्पो स्टॉर्म की पूरी टीम एलिमिनेट हो सकती है, एंड आई गेस गॉस्किला कमिंग इनटू द पिक्चर, अपने टीम के लिए 3 किल ले चुके हैं, INS स्टिल स्ट्रांग, पर ओमन एलीट चारों बंदे अलाइव 9 किल ले चुके हैं, इन लोग यहां पे कुछ नया करेंगे, एंड साथ ही साथ बोलते बोलते INS एलिमिनेट होते हुए जक्सी यहां पे 5 किल ले चुके हैं, BTR 4 मैन, BTR यहां पे चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए, ओमन एलीट के स्प्रिंग को उन्होंने नॉक किया, GSK गोंजो ने एंड उनको फिनिश ऑफ किया, गॉस्किला डेफिनेटली अच्छा लीड बना रही है अपना, गॉस्किला एक अच्छी लीड बनाएगी इस गेम के बाद, एंड उसके बाद आई डोंट थिंक मतलब इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। यस आपने ये बात बिल्कुल सही बताई है, यहाँ पर निकोला के धीरे धीरे क्लोज BTR पहुंचे हैं, BTR का ये जोन रहता है, ये गेम रहता है, तो BTR ने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट कर चुके हैं, तीसरे प्लेयर को भी स्पॉट कर चुके हैं, लक्सी आगे मूव कर रहे हैं वहां पर, जैसे ही शॉट लिए जाएंगे सचुरा को डाउन किया जा चुका है, एक प्लेयर बचता है वो आए एंड यहाँ पर 3rd पोजीशन पर एलिमिनेट करते हुए BTR के हाथ में चिकन डिनर जस्ट आने ही वाला है, 4v3 का सीनेरियो आ चुका है, 3v3 है वैसे, एक प्लेयर नॉक पड़ा हुआ है, बट देन 14 किल। BTR जब भी विकेंडी खेलती है वो सीरियस होकर खेलती है एंड हमेशा अपना गेम बनाती है, 3 मैचेस हुए अभी तक, 3 में से 2 चिकन डिनर्स विकेंडी के, दोनों BTR के हाथ में रहे, एक मैच वो भी था जिसमें उन्होंने 23 किल्स के साथ चिकन डिनर किया था, सो फॉर जब वो यहां पर आते हैं एक सीरियस नोट, एक स्टेटमेंट देने के लिए आते हैं, वो स्टेटमेंट है कि विकेंडी हमारा घर है, इससे दूर रहना, एंड ये चीज यहां पर आ चुकी है, ओमन एलीट वर्सेस बिगेट्रॉन ईस्पोर्ट्स, एंड वहां पर ओमन एलीट के कार्नेज ने मैकबॉय को डाउन किया, खत्म किया पूरे अच्छे तरीके से, 3v3 का सिचुएशन हो चुका है, 6 लोग अलाइव है, सर्कल प्रॉपरली यहां पर BTR के पलड़े के अंदर है, तो यहां पर दिक्कतें आती है ओमन एलीट को क्योंकि उनको थोड़ा सा मूव तो करना पड़ेगा आगे, एंड वो मूवमेंट उनके अगेंस्ट भी जा सकता है क्योंकि ओपन एरिया में मूवमेंट आता है सारा का सारा। यस एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फाइट BTR वैसे, पर वहाँ पे जूटे को पिक ऑफ किया लक्सी ने, एंड यहाँ पे ओमन एलीट बहुत ही दिक्कत में क्योंकि BTR के तीनों प्लेयर्स हेल्थ है उनके पास, पर कार्नेज बहुत अच्छे स्पॉट में बैठा है, यू नो वहाँ पे कार्बस करने की कोशिश, कार्बस से डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश, पर वहाँ पे वाईफाई ने लक्सी को पिक ऑफ किया, कार्नेज बहुत ही अच्छे स्पॉट में है, राइजिंग को पिक ऑफ किया, ओमन एलीट पहले चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए 2v1 का सिचुएशन है, उनके जस्ट नीचे प्लेयर है जो जक से ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कार्नेज अपनी टीम के ले जा पाएगा ओमन एलीट कमिंग अप विद अ चिकन डिनर, एंड ये उनको पॉइंट्स टेबल में 5-4-2-13 किल के साथ ओमन एलीट चिकन डिनर लेते हुए